सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। तो अभी हम है दिरांग में एंड वी आर ऑन आवर वे टू तवांग। सो हमारा न्यू ईयर शायद तवांग में मनने वाला है, तो फिलहाल हम जा रहे हैं तवांग की तरफ एंड रास्ता कैसा होगा वो हम सब आपको अभी आप खुद ही देख लोगे। एंड लुक एट दैट गाइज, वहाँ पे जो पहाड़ दिख रहा है वो एक बर्फीला पहाड़ है। सो अब कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं पहाड़ी इलाका में एंड हम अभी मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, तो फिलहाल यहाँ से निकलूँगा एंड इट विल टेक आई थिंक ऑलमोस्ट 4 आवर्स। तो अभी हम अपना जर्नी को शुरू करेंगे दिरांग से एंड दिखाएंगे आपको रास्ते में। सो मेरे साथ यहाँ पे पप्पा हाई कर दो ना, यहाँ पे मम्मी दीदी और हयांग। सो हम सब चारों यहाँ से जाने वाले हैं अभी तवांग की ओर। सो देखते हैं ड्राइविंग करते हुए, अगर वीडियो बना पाता हो तो जरूर बनाऊंगा। सो लेट्स सी, मिलते हैं आपको रास्ते में। सो फाइनली हम लोग अभी रास्ता का बीच में पहुंच चुका है एंड लुक एट द व्यू गाइस, पूरा बर्फ का पहाड़ है, पाइन ट्री के ऊपर पूरा बर्फ गिरा हुआ है एंड हम कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे हैं। सो हम ब्लॉग नहीं कर पा रहे, इसलिए मेरा ब्लॉग का अभी हम ट्रांसफर करेगा, मेरा बेटी को दूंगा मैं, बेटी को ना अब बनाएगा ना ना डायरेक्ट शुरू कर दो। तो अभी इधर मम्मी ने चश्मा उतार दिया और बहुत सुंदर दिख रहा है, और इधर एक आदमी क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है, वीडियो ले रहा है। वाह बेटा, तो कितना मजा है। देखो आपको दिखा दिया, पर भी मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। उधर ना मुझे जाने को मन कर रहा है, उधर ही हम जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कॉटन बोला देखा। इधर तुम वीडियो लेते हुए नाम है, और नाक दर्द होते हुए, और एक खांसते हुए, और एक जाते हुए। सो फाइनली हम स्नोफॉल जोन में आ चुके हैं। सो गाइस अभी हम लोग रास्ता का बीच में ही रुका हुआ है एंड जहाँ से बर्फ़ ऊपर बहुत ज़्यादा है बोले तो अभी हम टायर में रस्सी बांधेंगे, इसके बाद और ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। सो फिलहाल वी आर हियर एट, ये जगह का नाम क्या है, बैसाखी। सो हम यहीं पे है एंड यहाँ पे भी बहुत स्नो हो रहा है और स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट लुक एट दिस व्यू, कितना सुंदर है। पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे कुछ गाड़ी है जो ऊपर से आया हुआ है एंड हम अभी ऊपर जाएंगे। यहाँ पे है ये लोग, दीदी हेलो 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 हेलो। हाँ सो हमारा तवांग का जर्नी यही ख़त्म हो जाएगा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका है एंड लुक एट द रोड, ये पूरा बर्फ है और बहुत स्लिपरी है, तो गाड़ी भी इधर शायद मुश्किल होगा जाने के लिए। सो अभी क्या करेगा पता नहीं, बट लुक एट द व्यू, और गाइस स्नोफॉल हो रहा है। सीला पास तक नहीं पहुंच सके हम। सो यहाँ पे कुछ आर्मी पर्सनल है, इनसे हम बात करेंगे इसके बाद। हेलो सर जी, ऊपर जा पाएंगे या जा पाएंगे क्या ना, ऊपर जा पाएंगे क्या, चेन नहीं लगा है, रस्सी के साथ, रस्सी नहीं, रस्सी भी सक्सेस नहीं है, रस्सी कट जाएगा, फायदा नहीं। रस्सी अगर मोटा वाला है हाँ तो मोटे वाला लगा लो, बंदे दो। आपका प्राइवेट गाड़ी है? हाँ प्राइवेट गाड़ी है। चेन ले लेना था कम से कम, दो चेन तो ले लेना था, नीचे लोन पे मिल जाता गुवाहाटी में। कहाँ पे? यहाँ पे गुवाहाटी में। और गुवाहाटी पे, गुवाहाटी पे तो सिला पास तक भी नहीं पहुंचेगा ना? ना अभी क्या, मौसम जो है ना बहुत बुरा हाल कंडीशन है, क्योंकि रिस्क लेना ठीक नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि टैक्सी उक्सी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, वैन चलते हैं और ड्राइवर। अच्छा आपका गाड़ी है, डीजल अपना है, इंतजार करने से मौसम के लिए ठीक होने का चांसेस है क्या? ना चांसेस नहीं है, रस्सी कट जाएगा रास्ते में, पता नहीं कहाँ पे कट जाएगा। हाँ ये भी बात है, अगर रस्सी कट गया फिर गाड़ी वेट है ना, रस्सी कितना सक्सेस वो होगा, एक भी चैन रहता तो आप निकल जाना था। तवांग आपको तवांग प्लान तो नहीं कर सकता था, ये लोग भी जाएगा तो चैन लगा देगा।
रस्सी मोटा वाला है, रस्सी मतलब हाँ वो कितना 20 mm होगा, 20 mm नहीं सॉरी ये 6 mm चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत देख के ना, और स्पेयर में रखना बीच में अपना, धीरे एकदम स्लो स्लो लेके जाना, क्योंकि है ना अभी यहाँ से नहीं लगा रस्सी, वो देखो देखो वो है ना चलते वहीं से आपको लगाना शुरू होगा, वहाँ से ना हाँ वहीं से लगाना, वहाँ सेंटर पर चले जाओ, सब गाड़ी चलेगा इसका, बीच में गाड़ी रखो आराम से धीरे धीरे चलेगा, उसके बर्फ नहीं है उसके बाद नहीं है, शीला तक ही है बर्फ, ये जो पहाड़ है दो पहाड़ है, ये तीन पहाड़ पे बर्फ है, उसके आगे कोई बर्फ डाउन में, शीला में जाओगे तो ऐसा ही है, जैसे अभी यहाँ से आयो ना ये सेम क्लाइमेट है, अच्छा तवांग तक तो आराम से जा सकते हैं आगे, ऐसे है ना मेन दिक्कत है यही सिला ना, सिला से आपको 12-13 किलोमीटर की, ठीक है थैंक यू, ठीक हो कल दूधनिया तो हमने पूछ लिया है अभी तो शायद हम पहुंच पाएंगे, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है बट मे बी हम निकल जाएंगे, सो ये गाइस जो आपको बर्फ दिख रही है ये पूरा पानी बन चुका है, मेरा जूता पूरा भीग गया है और स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग स्नोफॉल, ऊपर में जाके रस्सी बांधना बोल रहे कहे हैं चला सो हम लोग अभी यही पे रुक चुका है रास्ता का सामने में, एंड लुक एट दिस गाइस स्नोफॉल हो रहा है, तो अभी यहाँ से गाड़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो अभी हम लोग रस्सी बांधने का उसके बाद चढ़ने का प्रयास करेंगे, लुक एट दिस गाइस बर्फ, सो चलो बनते हैं, सो वो बर्फ बहुत ज़्यादा हो गया इसीलिए हम लोग पूरा टायर को बांध रहे, एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम बर्फ में, सो आई होप इट ऑल गोज वेल, क्या होगा पता नहीं ये कितना देर हम लोगों का साथ देगा, सो फिलहाल हम लोग सिला पास पहुँचने वाला है, एंड कुछ ही देर में हम सिला पास पहुँचेंगे एंड देन तवांग की ओर निकलेंगे, और एक गुड न्यूज़ है तवांग में बर्फ़ नहीं गिर रहा है, तो आई गेस अगर हम लोग तवांग पहुँच जाने से आपको अच्छे से तवांग दिखा पाएंगे, सो फॉर नाउ रास्ता ऐसे ही जा रहा है और पूरा हाथ उठ गंदा हो गया, सो फाइनली वी आर डन, हम लोग अपना टायर को बांध चुका है, हमने कुछ ऐसा बांधा है हम लोग का रस्सी भी ख़त्म हो गया है, तो अभी अगर ऊपर हम लोगों को रस्सी मिलेगा तो हम लोग ऊपर भी बांधेंगे, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, सो हमारा गाड़ी यहीं पे फंस रहे थे, ऊपर जाने से वापस नीचे आ रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुक के बांधा है, सो ये तौर अच्छे से बांधा है, एंड देन यहाँ पे ऐसे बांधा हुआ है, सो लुक एट दिस गाइस, एक्चुअली इतना दिखाने मन नहीं है बट ये जो स्नोफॉल है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना मजा है, सो हम फिर से रास्ते में रुक चुके हैं, एंड संतरा खा रहा, आगे में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, गाड़ी फंस रहे हो, आ जाओ धीरे धीरे आने दो, बस अब सीधा करके इस तरफ जाइए ट्रैक में, इधर मत जाओ, रस्सी बांध लो स्लिप होगा नहीं तो,
अभी का जैसे नाला में घुस जाने से और फंस जाएगा। दूसरा जगह में कीचड़ में फंसता है या मैं बर्फ में फंस रहा है। और हम लोगों को रस्सी बहुत अच्छे से साथ दे रहे। साइड कर देगा गाड़ी आ रहे, गाड़ी निकल रहा है, जो जाने तेने वो गाड़ी निकल जाने से हम लोग भी निकल जाएगा। तो गाइस हम जितना आगे आते जा रहे हैं स्नोफॉल बढ़ते जा रहे हैं। लुक एट दिस, वो वहाँ पे एक बस फंस चुका है तो उसके लिए हम लोग रुक गया एंड मेरा यहाँ से आवाज़ दे रहा है। सो लेट्स सी इसका हालत क्या है। इसको तो टाइप करना पड़ेगा। वाह इतना सारा बर्फ, वो देखो घास देखो। गाड़ी साइड देने बहुत ही प्रॉब्लम है। लुक एट दिस गाइस, जगह ही नहीं होता एकदम से। स्नोफॉल स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है एकदम। शुरू में मज़ा लग रहा था, अभी बोरिंग लग रहा था। अभी हमने का गाड़ी भी रुक रहा है। अच्छा टायर ऐसे काम करता है, बस जाने से रस्सी जब ग्रिप देते हैं ना। सो अभी हम लोग जा रहे हैं एंड व्यू कुछ ऐसा है। एंड शुरू जब एंट्री मारा था तो इतना बहुत ठंडा लग रहा था, अभी इतना ठंडा नहीं है बर्फ का बीच में। सो इट्स क्वाइट गुड, लेकिन थोड़ा बदन मजा नहीं है हाई एल्टीट्यूड का वजह से, बट इट्स ओके। गाड़ी का आगे बचते और भी है ब्लॉक पॉइंट। तो वहाँ हल्का हो जाएगा, अभी काफी क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आ गया उधर चिपके, चलो चलो निकलो निकलो जाओ जाओ, लड़कों को ऊपर ठीक करो, अगर घर ही नहीं आ रहे हो तो यहाँ का छोड़ेगा जाओ जाओ जाओ। हाँ जी इससे खाली होते ना फटा तो यहाँ हाँ जाओ जाओ।
बस फंसी तो उस दिन क्यों नहीं लगाया यार। सो ट्रैफिक क्लियर हो रहा है अभी धीरे धीरे एंड स्नोफॉल भी बढ़ते जा रहे हैं। दिस गाइस स्नोफॉल शुरू शुरू बहुत मजा लगा था, अभी ट्रैफिक भी फंस के बोरिंग हो गया, बोलता इतना ठंडा हो रही है, देखो यहाँ पे भी बढ़ती है। लुक एट दिस, कितना देर रुका है आप खुद मालूम हो जाओ अगर स्नो इतना यहाँ पे जम गया है तो। आई गेस गाड़ी का ऊपर भी है क्या? सो आगे में रास्ता ब्लॉक हो चुका है और बस पहुंच चुका है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जेसीबी से बस को मिलेगा।